बात है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल चैंपियनशिप सत्र 2022-23 का जो आयोजन कर रहा है, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, लगभग 20 वर्ष के बाद, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फिर से हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। और ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो निरंतर खेल के क्षेत्र में अपने प्रतिभा का जो प्रदर्शन करता रहा है और माका ट्रॉफी में अपनी जो विशेष स्थान है वो लगातार इतने वर्षों से बनाता रहा है, तो इसका आयोजन हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स के लिए, हमारे आयोजकों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक होगा और प्रतिभाओं को इससे और नया मौका मिलेगा और हम एक अच्छे टूर्नामेंट की स्थापित कर पाएंगे। इसमें 44 विश्वविद्यालयों से जो प्रतिभागी हैं वो भाग ले रहे हैं। लगभग 700 के करीब जो प्रतिभागी हैं अलग अलग 44 विश्वविद्यालयों से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितने दिन चलेगी? ये 3 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी। अलग अलग विश्वविद्यालय ने इसका सही से समायोजन हो सके उसके लिए 4 ग्राउंड्स की व्यवस्था की है और बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए, उनके कोचिज के लिए और उनके मैनेजर्स के लिए सही रहने की और ठहरने की उचित व्यवस्था की है अलग अलग स्थानों पर। लास्ट हैंडबॉल मैन चैंपियनशिप सन 2000 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई थी। उस समय हम खेला करते थे, टीम पूरी तरफ से हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। और पिछले 22 साल से इस यूनिवर्सिटी में दोबारा हैंडबॉल मैन की चैंपियनशिप नहीं आयोजित हो गई, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। अब ये हो रही है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जहां हम खेले थे अब हम वहां खिला भी रहे हैं और हमारे बच्चे वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उसके सिलेक्टर्स भी हैं। और अब यहाँ मैच देखेंगे फिर से, कई साल बाद यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो यादें हैं हमारी इन्हीं ग्राउंड्स पे, इसी फॉर्मेशन में हमें ये टूर्नामेंट उस समय भी खिलाया गया था। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद दोबारा हमारी गेम के यहाँ इंटर यूनिवर्सिटी यहाँ हो रही है।